फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन माय चैनल। सो आज हम यहाँ और भी एडवांस तरीके से सीखने वाले कि आपके डेस्कटॉप के साथ कोई भी फोल्डर जो आपको चाहिए वो पूरी तरह से कैसे गायब कर दें और किसी को भी पता ना चले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक फोल्डर बनाना होगा, उसमें कुछ सीक्रेटिव रखना है तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आपको जो फोल्डर छुपाना है वो भी ले सकते हैं। सो ये एक नया फोल्डर बनाया मैंने, फिर आपको इसको एक नाम देना है, आपकी मर्जी जो भी देना है, पर मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 दे दिया है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको यहाँ हिडन पे क्लिक करना है ताकि वो फोल्डर गायब हो सके और आपके डेस्कटॉप पे ना दिखे। सो हिडन पर क्लिक करने के बाद ओके क्लिक करें तो देखिए ये फोल्डर चला गया, अब आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो हम कंप्यूटर में जाते हैं और सर्च कंप्यूटर पे लिखते हैं 1 2 3 4 5। देखिए तो कोई भी हमें ऐसा फोल्डर यहाँ नहीं मिल रहा है जिसका नाम 1 2 3 4 हो, मतलब कि वो कम्प्लीटली यहाँ पर से गायब हो चुका है। स्टार्ट में जाके भी देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ जो 1 2 3 4 5 है वो हमारे इमेजेस के, जबकि आपको पता है कि हमने जो फोल्डर बनाया था उसमें कुछ भी नहीं है, है ना। देखिए ये जो है वो तो इमेज है, पर उस फोल्डर में तो कुछ भी नहीं था आपके सामने बनाया था। तो आपको वो फोल्डर अगर लाना है तो आप फिर से कंप्यूटर में जाइए, यहाँ आपको ऑर्गेनाइज दिख रहा है, एक एरो है उसे क्लिक करिए, नीचे आइए, यहाँ फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करते ही आपको व्यू पे जाना है, और व्यू पे जाने के बाद यहाँ दो ऑप्शन है, डोंट शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स और ड्राइव्स, एंड सेकेंड इज शो हिडन फाइल फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। सो आपको शो पे क्लिक करना है क्योंकि आपको देखना है। फिर अप्लाई, अप्लाई करने के बाद आप बाहर जा सकते हैं। ओके, तो देखिए आपका ये फोल्डर आ गया है, पर देख सकते हैं कि एज कम्पेयर टू ऑल दिस फोल्डर्स आपका ये फोल्डर थोड़ा लाइट है। इसका मतलब वो आ तो गया है पर कलर लाइट है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ जो आपने ऑप्शन हिडन पे क्लिक किया था उसे अनचेक करेंगे ताकि वो आपका दिखना शुरू हो जाए। फिर अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे, तो देखिए आपका फोल्डर दिख रहा है, अब आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं था जैसे कि ये फोल्डर मैंने आपके सामने बनाया था। और आपको फिर से कंप्यूटर में जाना है और ऑर्गेनाइज पे क्लिक करना है और फोल्डर एंड सर्च ऑप्शंस पे जाना है और उसके बाद व्यू में, और यहाँ डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर्स और ड्राइव्स पे क्लिक करना है क्योंकि ये कंप्यूटर की प्रॉपर्टी है जो आपने चेंज की थी। ओके, देन अप्लाई एंड ओके। फिर बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और देखिए आपका फोल्डर वापस आ गया है। तो आप ऐसे किसी भी लोग जो आपसे बिना परमिशन के आपका लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उनके लिए आप ऐसा ऐसे छुपा के रख सकते हैं फोल्डर्स। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।